लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें और नवीनीकरण यानि डेटा अपडेट करें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे एक फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स जोड़ें। इस ट्यूटोरियल में चलिए सीखते हैं कि कैसे एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए डेटा प्रविष्ट करें और डेटा अपडेट करें। यह करने से पहले अपने फॉर्म डिजाइन में केवल तीन और बदलाव करते हैं। सबसे पहले लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं, यदि वह पहले से नहीं खुला है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं और हम बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म को खोलेंगे। यह करने के लिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर दाएं पैनल पर बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म पर दायां क्लिक करिए और फिर एडिट पर क्लिक करें। हम अब फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं। यहां पहले फॉर्म का आकार बदलें जिससे कि यह संक्षिप्त और कम प्रभावशाली दिखे। यह करने के लिए हम अपने फॉर्म विंडो की ऊंचाई और लंबाई घटा देंगे। हम यह फॉर्म विंडो के ऊपर और बगल में क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करके करेंगे। अगला, अपने फॉर्म के शीर्षक का फॉन्ट बदलते हैं। सबसे ऊपर फॉर्मेटिंग टूलबार में से फॉन्ट को एरियल ब्लैक और आकार 12 में बदलते हैं। अंततः फॉर्म कंट्रोल्स के टैब क्रम को देखते हैं। यह हमें फॉर्म कंट्रोल्स में एक विशिष्ट क्रम में जाने के लिए कीबोर्ड टैब बटन का इस्तेमाल करने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप, कहिए ऊपर से नीचे, यह टैब क्रम कहलाता है। अब बेस फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स के टैब क्रम को स्वतः ही ऊपर से नीचे निर्धारित करता है। किंतु चूंकि हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस को हटा दिया है और दो नए लिस्ट बॉक्सेस और चार बटन्स जोड़े हैं, हमने संभवतः टैब क्रम मिला दिया होगा। अतः हम इसे अभी निर्धारित करेंगे। फॉर्म डिजाइन टूलबार में साधारणतः विंडो के नीचे मिलता है। हम आइकन्स को शुरू से अंत तक देखेंगे और टूल टिप के साथ आइकन खोजेंगे जो कहेगा एक्टिवेशन ऑर्डर। चलिए इस आइकन पर क्लिक करते हैं। अब हम टैब ऑर्डर शीर्षक के साथ एक छोटी पॉपअप विंडो देखते हैं। इन फॉर्म कंट्रोल्स को क्रम में लगाने के लिए या तो हम वस्तुओं को क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं या हम मूव अप या मूव डाउन बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। अतः चलिए टैब क्रम को जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा निर्धारित करते हैं। हमने कर लिया। अतः चलिए इन बदलावों को सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एस दबाकर अपना फॉर्म सेव करते हैं। और फिर हम फॉर्म विंडो बंद कर देंगे और अंततः हमने अपना फॉर्म डिजाइन समाप्त कर लिया। अब अपना फॉर्म जांचते हैं। मुख्य बेस विंडो में चलिए बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म को इस पर डबल क्लिक करके खोलें। अब फॉर्म डेटा प्रविष्ट रूप में खुला है। शीर्षक पर ध्यान दीजिए जो कह रहा है फॉर्म टू ट्रैक बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स, और यहां हम बुक आईडीज और मेंबर आईडीज के स्थान पर बुक टाइटल्स और मेंबर नेम्स देख रहे हैं।
इसके साथ ही यह बुक्स इश्यूड टेबल का पहला रिकॉर्ड है। हम देख रहे हैं बुक टाइटल के सामने एन ऑटोबायोग्राफी चिन्हांकित है और मेंबर नेम के सामने निशा शर्मा चिन्हांकित है और हम बाकी फील्ड्स भी देख रहे हैं। अब हम नीचे फॉर्म नेविगेशन टूलबार आइकन्स का इस्तेमाल करके सारे रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं। चलिए अब दूसरे रिकॉर्ड पर जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि सदस्य जैकोब रॉबिन ने मैकबेथ पुस्तक ली है और मानते हैं कि वह अब पुस्तक वापस कर रहा है, अतः इस जानकारी को इस रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं। इसके लिए हम एक्चुअल रिटर्न डेट में टाइप करेंगे, उदाहरणस्वरूप 7/7/11 और चेक्ड इन फील्ड को चेक करिए यानी चुनिए। इस जानकारी को सेव करने के लिए हम सेव रिकॉर्ड बटन दबाएंगे जो हमने यहाँ रखा है। ध्यान दीजिए कि बटन धुंधले हो गए हैं, मतलब है कि यह अब इस्तेमाल करने के लिए अक्षम है। किंतु यदि हम इस रिकॉर्ड को फिर से बदलें तो बटन पुनः सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अंडू चेंजेस बटन को जाँचें। इसके लिए चलिए बुक टाइटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पर क्लिक करके रिकॉर्ड को बदलते हैं और फिर एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड में 5/7/11 टाइप करते हैं। ध्यान दीजिए कि दोनों सेव रिकॉर्ड बटन और अंडू चेंजेस बटन इस्तेमाल के लिए सक्षम हैं। अब चलिए अंडू चेंजेस बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बदलाव जो हमने पहले किए थे वह रद्द हो गए हैं। ध्यान दीजिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ के स्थान पर मैकबेथ चिन्हांकित है और एक्चुअल रिटर्न डेट 7/7/11 है। ठीक है, अब डिलीट रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं, मतलब हम इस दूसरे रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेस डिलीट के लिए सतर्क है, अतः यह हमें सावधान करके एक पुष्टिकरण के लिए पूछता है। अभी के लिए चलिए आगे चलते हैं और यस बटन पर क्लिक करते हैं। हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड वाकई में डिलीट हुआ है, स्क्रीन से जा चुका है और इसके स्थान पर हम अगला रिकॉर्ड देख रहे हैं। अंततः फॉर्म पर अंतिम बटन जो है न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करके एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। चलिए कुछ वैल्यूज टाइप करते हैं। चूंकि इश्यू आईडी स्वतः बनने वाला फील्ड है, हम इसे छोड़ देंगे और यहाँ चलिए जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा डेटा जोड़ते हैं। प्रविष्टियों को सेव करने के लिए सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें। हमने कर लिया, हमने डेटा प्रविष्ट और अपडेट करके फॉर्म जांच लिया। यहाँ एक नियत कार्य है, सदस्यों की जानकारी दिखाने के लिए एक फॉर्म बनाएं। फॉर्म को दिखने में संक्षिप्त बनाइए, फॉन्ट बोल्ड करिए, सेव और न्यू रिकॉर्ड बटन्स जोड़िए। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर फॉर्म डेटा के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट और अपडेट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।